मैं जितना इस संविधान को पढ़ता हूं, मुझे लगता है अगर हमारे देश का संविधान एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए अगर ईमानदारी से लागू कर दिया जाए, हमारे देश को दुनिया का नंबर वन देश बनने से कोई नहीं रोक सकता उसके बाद। इतना शानदार हमारे देश का संविधान है, इतना शानदार संविधान है। पिछले 5 साल के अंदर दिल्ली में हमें दिल्ली की जनता ने मौका दिया। पिछले 5 साल में दिल्ली के अंदर हम दिल्ली सरकार इसी संविधान के हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं और नतीजे आप सब लोगों के सामने हैं। संविधान में लिखा है बराबरी का अधिकार होगा। अभी कई बच्चों ने बात की ना, बराबरी की बात की, क्वालिटी की बात की, बराबरी का अधिकार होगा। अभी तक यहां इतने सारे बच्चे बैठे हैं, अगर कोई बच्चा गरीब घर में पैदा होता था और कोई बच्चा अमीर घर में पैदा होता था, क्या उनको बराबर की शिक्षा मिलती थी? नहीं मिलती थी। तो क्या बराबरी का अधिकार था? नहीं था। मैं आपका मुख्यमंत्री हूं, हम सरकार चला रहे हैं, सरकार की नजरों में, मुख्यमंत्री की नजरों में एक बच्चा अगर गरीब घर में पैदा होता है और एक बच्चा अमीर घर में पैदा होता है, मेरे लिए तो मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं। मैं उन दोनों बच्चों के बीच में फर्क नहीं कर सकता। मैं उन दोनों बच्चों के बीच में फर्क नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब हमारी सरकार बनी, हमने अपने सामने सबसे पहला लक्ष्य रखा कि इस गरीब के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा दिला के रहेंगे हम लोग। दिल्ली में एक जो भी बच्चा दिल्ली में पैदा होगा, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी, सबको एक जैसी शिक्षा मिलेगी। दोस्तों, आज 5 साल के अंदर हमने वो करके दिखाया। बाबा साहब अंबेडकर का एक सपना पूरा किया हम लोगों ने। हमने दिल्ली के अंदर, पहले दिल्ली के अंदर बिजली, कुछ लोगों को बिजली मिलती थी, कुछ लोगों को बिजली नहीं मिलती थी, कुछ लोगों को पानी मिलता था, कुछ लोगों को पानी नहीं मिलता था। अब दिल्ली के अंदर सारे लोगों को सबसे सस्ती बिजली मिलती है और 24 घंटे बिजली मिलती है। गरीबों को फ्री बिजली मिलती है, अमीरों को सस्ती बिजली मिलती है, लेकिन बिजली सब लोगों को मिलती है। बराबरी का अधिकार दिया है दिल्ली के लोगों को। हमारे संविधान में लिखा है जीने का अधिकार होगा। पहले एक गरीब आदमी के घर अगर कोई बीमार होता था, वो सरकारी अस्पताल में जाता था, सरकारी अस्पताल में इलाज का बुरा हाल था। आज दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में वैसा ही अच्छा इलाज है जैसा प्राइवेट अस्पतालों के अंदर इलाज हो रहा है। लोगों को हमने जीने का अधिकार दिया है। दिल्ली के अंदर हमने योजना बनाई कि अगर किसी का एक्सीडेंट होगा, अगर किसी का एक्सीडेंट होगा, अभी तक अगर किसी का एक्सीडेंट होता था कोई उसको बचाने के लिए नहीं जाता था, वो बेचारा सड़क पे पड़ा रहता था, लोग सड़क पे गुजर जाया करते थे, लोगों को लगता था मैं क्यों पचड़े में पड़ूं, मैं अगर इसको अस्पताल में ले गया तो अस्पताल वाले मेरे से पैसे मांगेंगे। अब हमने कहा है कि पैसे की चिंता मत करो, अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए, जो भी उसको देखता है तुरंत उसको नियरेस्ट अस्पताल में पहुंचाओ, कितना भी महंगा अस्पताल होगा सारे पैसे दिल्ली सरकार देगी। हमारे लिए एक एक जान कीमती है,
हमारे लिए आप सब लोगों की जान कीमती है, आप सब बच्चों की जान कीमती है, आपके माँ बाप की, आपके दोस्तों की, आपके रिश्तेदारों की जान कीमती है। हमने जीने का अधिकार दिया है दिल्ली के लोगों को। संविधान में लिखा है गरीबी दूर करेंगे। गरीबी कैसे दूर होगी? केवल नारे लगानों से दूर नहीं होगी गरीबी। हमने दिल्ली के गरीबों का मिनिमम वेज बढ़ाया, एक एक गरीब मजदूर को, एक एक गरीब कर्मचारी को हमने 15-15 हजार रुपए महीने की तनख्वाह दिलवाई। गरीबी तब दूर होगी दोस्तों। तो दिल्ली के अंदर हमने 4 साल में इसी संविधान के हिसाब से काम करने की कोशिश की है। हमारे सामने बहुत सारी अड़चनें आई, जितनी भी अड़चनें आई वो इसी वजह से आई क्योंकि दिल्ली के अंदर पूरी तरह से संविधान को लागू नहीं करने दिया जा रहा। मुझे ये लगता है अगर ये बाबा साहब अंबेडकर का संविधान एक दिन के लिए अच्छे से लागू हो जाए, ये देश कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। आज मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली के अंदर अब 5 साल में हमने स्कूल अच्छे किए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया, पढ़ाई अच्छी करी। अब ये जो बच्चों को एक्सपीरियंस करके, महसूस करके पढ़ाने का जो सिलसिला चालू हुआ है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एट 70 प्रोग्राम है, एक तरफ हम अपने संविधान को सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ बच्चों को उस संविधान को महसूस करा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जितने भी टीचर्स ने, ऑफिसर्स ने, प्रिंसिपल्स ने पार्टिसिपेट किया, इतना शानदार प्रोग्राम करने के लिए मैं उन सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये जो पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, पढ़ाना क्या चाहिए, आप सब लोगों ने पूरे देश के अंदर अपना नाम रोशन किया है। जिस तरह से, जिस कदर दिल्ली में शिक्षा की क्रांति हो रही है, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हम क्या पढ़ाना चाहिए बच्चों को, इसके ऊपर भी हम पूरे देश को एक दिशा दिखाएंगे। ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए जिससे हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बना सकें, अच्छा नागरिक बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।